चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना अंतर्गत ओडूट गांव के पास अनियंत्रित कार पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिला परिषद सीईओ की गाड़ी चलाने वाले कैलाश सालवी सोमवार रात घर जा रहा था, उसी समय कार अनियंत्रित हो गई, उसके सिर में चोट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। ये क्या है कि कैलाश जी थे जो जिला परिषद में ड्राइवर के पद पर तैनात थे, जो शाम को टाइम गाड़ी लेकर अपने गांव ओड़ुंद जा रहे थे। रास्ते में ओड़ुंद के पास में ही गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड से पलटी खा गई। पलटी खाने से उस गाड़ी के नीचे आ गए, जिससे इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शाम को इनके परिजन हॉस्पिटल लेकर आए लाश को, जिसका भी PM करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई। भरतपुर में रोड क्रॉस कर रहे बच्चे को सरसों का तेल भरकर ले जा रहे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने टैंकर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। महिलाओं ने चप्पलों से टैंकर चालक की पिटाई कर दी। टैंकर चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना कुम्हेर थाना इलाके में भरतपुर कुम्हेर स्टेट हाईवे की है।